तो रामानंद सागर की रामायण के सिर्फ राम लक्ष्मण ही नहीं बल्कि मुंबई में आज भी लाखों लोग बिल्डर्स के झूठे वादों के चक्कर में फंसे हुए हैं। कई सरकारी मंजूरियों में देरी का बहाना है तो कई फंड की कमी की किल्लत। मुंबई के मुलुंड इलाके में ये एरिस्टो हेवेंस प्रोजेक्ट है। 2006 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था लेकिन जंगल की जमीन घोषित हो जाने से प्रोजेक्ट 8 साल तक लटका रहा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में बिल्डर ने केस जीता, ग्राहकों से नए सिरे से प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की बात कही लेकिन अब तक ये प्रोजेक्ट में खास तरक्की नहीं हो पाई है। इस प्रोजेक्ट में करीब 200 लोगों ने बुकिंग कराई थी। डीबी रियल्टी के एक प्रोजेक्ट डीबी ओजोन का भी यही हाल है। मीरा रोड दहीसर के बीच इस प्रोजेक्ट पर भी 2008-09 में काम शुरू किया गया था। करीब 3000 ग्राहकों ने बुकिंग की थी। ग्राहकों को 2012 में पोजीशन देने का वादा किया गया था। 4 साल की देरी के बाद भी प्रोजेक्ट में पोजीशन नहीं मिला। बिल्डर की ओर से ग्राहकों को पोजीशन की नई नई तारीख बताई जा रही है। लोधा के अंधेरी एटनिस प्रोजेक्ट में भी ग्राहकों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। 2010 में बिल्डर ने प्रोजेक्ट में बुकिंग ली थी। ग्राहकों को 2013 में फ्लैट बनाकर दिया जाना था। बिल्डर ने ग्राहकों को बताया कि प्रोजेक्ट पर अवैध कब्जे की वजह से कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो पाया। कोर्ट से केस जीतने के बाद प्रोजेक्ट को नए सिरे से शुरू किया गया है। अक्सर देरी वाले प्रोजेक्ट में नुकसान ग्राहकों का ही होता है क्योंकि बिल्डर पुराने एग्रीमेंट वैल्यू पर फ्लैट देने को तैयार नहीं होते। ग्राहकों से पुराने के बजाय नए मार्केट रेट पर एग्रीमेंट करने को कहा जाता है। बुकिंग रद्द करने पर ग्राहकों को मूल रकम पर 9-15% हिसाब से ब्याज का ऑफर आता है लेकिन ब्याज की रकम के मुकाबले प्रॉपर्टी की कीमत कई गुना बढ़ चुकी होती है। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो मेरे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर जो प्लॉट दिया जाना था जहां पर बिल्डिंग बनाकर वहां पर मेरे सहयोगी सिल्की इस वक्त मौजूद हैं और काफी लोग उनके साथ हैं। सिल्की, जरा जल्दी से दूसरे लोगों से भी पूछिए उनका क्या कहना है या उनके साथ किस तरह से धोखाधड़ी हुई, बिल्डर ने कैसे उनके साथ धोखाधड़ी की। जी गौरव, यहाँ पे कुछ लोग और जुड़े हैं मेरे साथ, उनसे भी पूछ लेते हैं कि किस तरह के रिस्पॉन्सेज मिले जब आपने क्वेरी की कि काफ़ी टाइम हो गया है, कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम शुरू नहीं हो पाया है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रिस्पॉन्स दिया जाता था आपको जब आप जाते थे बिल्डर से इसकी इंक्वायरी करने की कब तक आपका फ्लैट मिलेगा। मैडम, ये जब हम इसके ऑफिस में जाते थे जो उनके बिल्डर के जो लड़के हैं अर्पित, वो सबको बिठा कर इतनी अच्छी तरह से बात करते थे और हमको समझा बुझा के भेज देते थे हर टाइम कि भाई अभी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कंप्यूटर से ये बता देते कि ये साइट पे देखिए अब ये प्रॉब्लम है, ऐसे करके सबको समझा के हम लोग बस उम्मीद पे 6-7 साल हो गए हम लोग उसी उम्मीद पे बैठे हैं और किराए पे रह रहे हैं अभी तक के और अभी तक कुछ बना नहीं है बिल्डिंग। अच्छा, आपने जब भी फ्लैट की बुकिंग की थी तो आपको कुछ एडवांस में भी रकम पे करने को बोला गया था, किसी तरह का पेमेंट आपने किया है? हाँ, कुछ हम लोगों ने पहले पेमेंट उनका किया था और उन्होंने बोला कि आपको ये इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा एकदम से पैसा, तो ये हम लोग के लिए भी कन्वीनियंट था कि हमको इकट्ठा पैसा नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग भी करते हैं तो अपने बच्चों के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते कि ये हमारे बच्चों की एजुकेशन आगे जाके इतनी महंगाई हो रही है। ठीक है, मतलब दिल्ली हो, मुंबई हो या देश का कोई इलाका, बिल्डर्स की धोखाधड़ी हर जगह एक जैसी दिख रही है। आप रहिए सिल्की मेरे साथ, मेरे साथ अरुण गोविल भी जुड़े हुए हैं जिनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। अरुण गोविल जी, आपको क्या उम्मीद है कि प्रोजेक्ट के लिए कोर्ट किसी और बिल्डर को इस काम में लगा सकता है या कैसे आप लोगों को जस्टिस मिलेगा? अगर कोई और प्रोजेक्ट इस पूरे प्रोजेक्ट को कोई लेता है तो वो ऑफर कर सकता है कि भाई ठीक है, आप ये इतने आपने फ्लैट बुक किया था इतना और यह है आज का ये कंपनसेशन होता है इसका, अगर आप निकलना चाहें तो निकल जाइए इसमें से और अदरवाइज ये है कि आप रहना चाहें तो आप जरूर रहिए। और बिल्डर की बात करें सर बिल्डर की बात करें, बिल्डर जो अभी मौजूदा बिल्डर है उसकी तरफ से आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं? नहीं, उसमें से जो ऐसा सुना जाता है कि जो मेन शुभ बिल्डर्स और सोनाटा रियलिटी, ये दो इनका जॉइंट वेंचर था ये, तो मैंने हम लोगों ने ये सुना है कि सोनाटा के जो है मिस्टर आजम खान ही इज़ इनसाइड और जो शुभ बिल्डर्स के मेन व्यक्ति हैं जीटी सोमानी, वो भी कुछ और केसेस में वो भी ही इज़ आल्सो इनसाइड और रिसेंटली पुलिस हैड रेडेड टू अरेस्ट मिस्टर अर्पित सोमानी, जीटी सोमानी सन, बट ही वाज नॉट फाउंड। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ टुडे। ठीक है सर, मेरे साथ सुजाय कांतावाला है। सुजाय कांतावाला, तो आपको लगता है इस पूरे केस में केवल यही लोग नहीं है, काफी लोग हैं, तो एक स्ट्रांग केस बनता है और इनको कोर्ट से जस्टिस मिलेगा?
100% मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी में इनको पूरा बंदी कर देना चाहिए, इनको बेल ही नहीं मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। जो लोग इंटेंशन टू चीट पहले से ही था, जो लोग ठगते हैं दूसरे को, इनोसेंट लोगों को, उनको बेवकूफ बनाते हैं, उनको बुला बुला के उनको समझाते हैं। जैसे इन्होंने एक कस्टमर, इनके एक क्लाइंट ने कहा कि वो उनके लड़के उनको बुलाते थे, मीठी मीठी बातें करते थे, चाय कॉफी पिला के भेज देते थे। मतलब आपको पूरा इंटेंशन था, आप बार बार चीट कर रहे हो किसी को, और एक आदमी को नहीं, पूरे आपके जो परचेजर्स है, आपके क्लाइंट्स है, जो आपको भरोसा करते हैं, आप उनको अगर चीट करते हो तो कानून आपको बख्शेगा नहीं, इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी में इनको एक साल तक अंदर ठोक देना चाहिए। ओके, शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे से जुड़ने के लिए। तो राम लक्ष्मण बिल्डर ने ठगे राम लक्ष्मण, मतलब कहने का मतलब यह था कि वो लोग जो राम लक्ष्मण के नाम से पूरे देश में जाने जाते हैं, उनको ठगा बिल्डर ने। सोचिए कौन बचता है फिर ठगे जाने से। जरूरत है कड़ी कार्रवाई की, ताकि यहां पर एक मैसेज जा सके बिल्डर्स को। देखते हैं इस मामले में कार्रवाई कब तक होगी, और होगी तो आपको हम रिपोर्ट जरूर करेंगे। फिलहाल हमारे साथ नमस्कार।